देखिए आदित्य बिरला बनी ने आज हमारे साथ दो स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं और पहला चार्ट जिस पर उन्होंने दाव लगाने की बात कही है मेटल्स में, अगर आप देखें मेटल्स में पहला ट्रेड है टाटा स्टील। जरा एक बार टाटा स्टील को चार्ट पे दिखाइए एग्जैक्टली। यहाँ पर देखिए टाटा स्टील की जो स्ट्राइक इन्होंने ट्रेड करने की राय दी है वो है 330 की, यानी 326 पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या है इस ट्रेड में, ये स्टॉक गिरा ऑलमोस्ट 360 से गिरता, आप देखिए 320 का लो लगाया और फिर कल पुल बैक दिया, दैट मींस पुल बैक इज विजिबल, पुल बैक ऑन द कार्ड्स। तो यहाँ पर 330 की कॉल खरीदी है, ये कॉल आपको जो है वो लगभग 8 से 9 रुपए के बीच मिल रही है, मई की 300 की नहीं, ये 330 की स्ट्राइक है, माफ कीजिएगा, 330 की कॉल लेनी है आपको 8 से 9 रुपए में विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 14 to 15, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है लगभग 5 रुपए का। तो ये एक पुल बैक ट्रेड है, पुल बैक ट्रेड में आपको पार्टिसिपेट करना है। और दूसरा ट्रेड है इनका SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल टेक्निकली वीक पड़ा, बैंक निफ्टी चल रहा था, PSU बैंक्स नहीं चल रहे थे, PSU बैंक्स की बास्केट में SBI डेलो पे क्लोज हुआ, ये एक वीकनेस का बहुत बड़ा अगर आप देखें इंडिकेशन था। 175 एट द मनी पुट खरीदनी है, यहाँ पर आइए स्ट्रेटेजी भी थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। यहाँ पर रणनीति यह है कि आप इस पुट को खरीदिए लगभग 2.5 रुपये के आसपास, 2.5 से 3.25 रुपये के आसपास ये पुट आपको मिल जाएगी और विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ लगभग 5.25 to 6.5 रुपए के आसपास। दैट मीन्स ये स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि इसमें डाउनसाइड जो है वो 165 से लेकर 160 तक का खुला हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 1 रुपये रखना है, टारगेट लगभग आप ही मांगे चलिए 5.25 to 6.25 रुपये मिल जाएगा।